फ्यूचर के जितने भी आप लोगों के टेंस बनते हैं, चार टेंस बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भरना चाहिए, कहाँ पर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट और कहाँ पर आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो टेंस की तीन वीडियोज़ डल चुकी हैं। दो तो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड थी एंड वन जो वीडियो थी वो हमारी पास्ट टेंस से रिलेटेड थी। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस को, और फ्यूचर टेंस आप लोगों को इतने आसानी तरीके से पढ़ाऊंगी, यकीन मानिए आप लोग वीडियो को बस कंप्लीट देखिएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फ्यूचर टेंस है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। इसको सही कर लीजिएगा। जिन लोगों ने जो पीडीएफ ली है उसके अंदर भी जो फ्यूचर टेंस है वो क्या होता है? भविष्यकाल होता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसे ही हो जाती हैं, ह्यूमन नेचर है। ओके, तो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। उसकी जो हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में गागेगी, इसके ऊपर नहीं जाना है आपको, ठीक है? आप लोग रूल को समझिएगा कि रूल क्या होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उन चीज़ों को समझिएगा। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसके अंदर क्या है? फ्यूचर टेंस है, कल की बात बता दी मैंने, जाऊंगा, ठीक है? या फिर मैं खाना खाऊंगा, तो ये सब बातें किस में हो रही है? फ्यूचर टेंस में हो रही है ना, गागेगी लास्ट में आ रहा है। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्या आता है आपका? सेल और विल जो होती हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर आपको टेंस जब से मैंने स्टार्ट की है तब से बताती आ रही हूँ, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पर मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है? सेल और विल का देखिए, सेल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है। फ्रेंड, जो सेल है वो सिर्फ आपको कहाँ पे लगाना है? आई और वी के साथ लगाना है, बाकी सब जगह पे आपको किसका यूज करना है? विल का यूज करना है। ओके, इतनी बात क्लियर समझिएगा, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टेंस वाला, सॉरी, जो मॉडल्स वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, तब सेल और विल को दोबारा से डिस्कस कर दूंगी। यहाँ पे आज आप एज ए हेल्पिंग वर्ब इसको समझिएगा। ओके, जैसे कि ही विल हेल्प यू, वो क्या करेगा? तुम्हारी मदद करेगा। यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कल कॉलेज जाओगे। ओके, तो ये सब किसके सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे रूल होते हैं, तो रूल में कुछ नहीं है, रूल में रटना नहीं है आपको, आपको सिर्फ समझना है। सबसे पहले जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो क्या कर रहा है? भाई सामान्य रूप से भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में बता रहा है, यही बात है ना, कि भाई मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल खाना खाऊँगा, ठीक है, आज मेरा उपवास है ना, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, तो मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल किताब पढ़ूंगा, तो ये सब जो सेंटेंसेज हैं ये किसके हैं? भविष्य में आने वाली बातों के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब क्या हैं? सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या समझा कि जहाँ पे भी हमारे सिंपल फ्यूचर की बात होती है वहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जब चलते हैं तो देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर टू देखिए यहाँ पे। पहले ना आप लोग एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल के बाद फिर मैं आपको रूल बताऊंगी, ठीक है? ऐसे ना दिमाग में अच्छे से सेट होगा आपके। देखिए हमारे पास, देखिए, आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो क्लोजेज जुड़े हुए हैं, आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल, ये एक प्रिंसिपल क्लोज है, और क्योंकि ये हमारा मेन क्लोज है कि भाई मैं मोटरसाइकिल बाय करूंगा व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब क्या होंगे प्राइस डाउन आएंगे तब करूंगा। तो यानी मेन जो काम है वो क्या हो रहा है, बाइक को बाई करूंगा ना, ठीक है, लेकिन कब करूंगा? व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। तो ओके, तो यहाँ पे एक हमारी प्रिंसिपल क्लोज है और एक हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो जब हमारी प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज गिवन हो और हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो हमारे प्रेजेंट टेंस में हो, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो हमारे प्रेजेंट टेंस में है व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज होगा वो हमेशा किस में आएगा? फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वहाँ पे यूज किया जाएगा। समझ में आया? और देखिए एग्जांपल की हेल्प से और समझ में आएगा आपको। देखिए, सी विल कम इफ यू राइट टू हियर, आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएगा ये देखिए, आपके पास गिवन होगा सी कम, सी ये भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, सी आपको वर्ब दे दी जाएगी कम, भरना यहाँ पे क्या भरेंगे? इफ यू राइट टू हर। अब हमने क्या देखा कि भाई ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमारी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, इफ से स्टार्ट हो रहा है कि भाई मैं ऐसा करूँगा, लेकिन कब करूँगा? ये तो हमारी मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट में है, तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है वो हमारे किस में होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? और देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, व्हेन इट रेन्स,
द प्लांट्स विल ग्रो, तो मेन काम तो क्या होगा भाई, प्लांट्स विल ग्रो, प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ये नहीं देखना है कि आगे कौन सा सेंटेंस आया है, पीछे कौन सा सेंटेंस आया है, आपको पहचानना है कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है, हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज कौन सी है, ठीक है। तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है कि द प्लांट्स विल ग्रो, यार मोस्टली जब आपको सबॉर्डिनेट क्लोज होंगी उनके आगे वैन, इफ, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। द प्लांट्स विल ग्रो, प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, कब ग्रो होंगे, तो क्या कंडीशन रखी है, वैन इट रेन्स, जब क्या होगी, बारिश होगी। तो ये जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है ये हमारी किस में चली जाएगी, सिंपल फ्यूचर में, क्योंकि जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज है वो हमारी क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है, तो प्रिंसिपल क्लोज में हम विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ओके। अब यही सेंटेंस ना आपको ऐसे भी मिल सकता है, आपको एग्जाम में ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि द प्लांट्स विल ग्रो व्हेन इट, फिर यहाँ पे आपको दे देगा रेन की, रेन की कौन सी फॉर्म आएगी, आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आप लोग पहचानेंगे भाई द प्लांट्स विल ग्रो, प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, कब ग्रो करेंगे, ये हमारी कंडीशन है कि जब क्या होगी, बारिश होगी। तो प्रिंसिपल क्लोज हमारी क्या है, द प्लांट्स विल ग्रो, ये हमारी सिंपल फ्यूचर में दी गई है। तो जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज है वहाँ पे हमारे क्या लगाना है, सिंपल प्रेजेंट लगाना है। तो यहाँ पे व्हेन इट रेन्स, इस यहाँ पे इसके वर्ब की फॉर्म फिल कर दी जाएगी, ओके। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने एक नंबर प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग उस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं, और इसी तरह के नोट्स वहां से प्रोवाइड मैं आपको कर रही हूँ, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव के अंदर आपके नोट्स शेयर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल एक मिनिमम कॉस्ट रखी गई है, जितना कि आपको एक अच्छी सी बुक ले तो बुक भी परचेज नहीं कर पाते हैं, ओके। देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की टेंस की क्या होती है कि लास्ट में हमें क्या मिलता है, सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, हमें ये याद नहीं रखनी है, हमें ये याद रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आती है, सेल विल के साथ क्या यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा क्या लेता है अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेता है, ये बात आप सबको क्लियर है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल विल उसके साथ हम बी लगाते हैं, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए एग्जांपल देखिए, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमैरो, वो कल क्या कर रहा होगा, इस टाइम पे वो क्या कर रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। व्हेन ही गेट्स होम, जब वो घर जाएगा, हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग, जब वो घर जाएगा तो क्या होगा भाई, उसकी जो बेटियां हैं वो पढ़ रही होंगी। सी विल बी स्टेइंग देयर, वो यहाँ पे ठहर रहा होगा, यानी भविष्य की क्या की जा रही है, यहाँ पे बातें की जा रही है कि भविष्य के अंदर ये काम क्या रहेगा, जारी रहेगा, जो काम भविष्य में जारी रहने की उम्मीद है, आशंका है, संभावना है, वहाँ पे किसका यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यानी वहाँ पे विल सेल के साथ बी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है, ओके, क्लियर। जो भी कोई काम है फ्यूचर में जारी रह रहा है तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, हमारा विल सेल के साथ बी का यूज कर देंगे, ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, क्या बता रहा है कि भाई मैं इस महीने के एंड तक इस काम को पूरा कर रहा हूँगा, पूरा मेरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के लिए नोट्स से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो विद इन वन मंथ मैं आप लोगों को जो क्लासेज हैं और नोट्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोवाइड कर दूंगी, ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो विनय विल बी स्टेइंग देयर टिल संडे, जो विनय है वो यहाँ पर संडे तक ठहर रहा होगा, ठीक है। सीमा विल बी मीटिंग मी टुमारो, जो सीमा है वो कल मुझसे मीटिंग कर रही होगी। तो फ्यूचर के जो सर्टेन प्लान होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उनके लिए भी किसका यूज किया जाता है, विल सेल के साथ बी का यूज किया जाता है, ओके। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि भाई टुमैरो का प्लान बता रहे हैं, संडे का प्लान बता रहे हैं, पूरे मंथ का प्लान बता रहे हैं, तो ये जो फ्यूचर के जो प्लान होंगे वहाँ पे भी किसका यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस छोटा ही है, फ्यूचर इंडेफिनेट के घिसे पिटे दो एक रूल थे जिसमें मेन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताया है कि आपको ध्यान रखना है जब हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज से कोई सेंटेंसेस गिवन होगा, तो जब हमारी सबॉर्डिनेट क्लोज हमारी किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी, तो प्रिंसिपल क्लोज हमारी किस में आएगी, हमेशा फ्यूचर में आएगी, ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका जो
यानी कोई जो काम है वो पूरा हो चुका होगा, ये सेंस देगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल होता है। इसी हिसाब से हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं। ओके, सी विल हैव कम बैक होम बाई इवनिंग, वो शाम तक क्या कर चुकी होगी, घर पर वापिस आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, वो मंडे से पहले अपना काम फिनिश कर चुका होगा। तो ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुके होंगे, ऐसे एक्शन जो किसी फ्यूचर में जो हमारा भविष्य जो आने वाला है उसमें एक निर्धारित समय तक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो चुके होंगे, कंटिन्यू नहीं चल रहे होंगे बल्कि क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो वहाँ पे किस टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोले तो विल सेल के साथ आपका क्या लगेगा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्रेंड टेंस को आसानी से और मतलब अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे वॉइस और नरेशन वाले जो चैप्टर हैं वो फुली किस पे डिपेंड होते हैं, हमारे टेंस वाले चैप्टर पे डिपेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको वॉइस और नरेशन ही करवाने वाली हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ये जो सेंटेंस हैं इनमें आपको बाय मंडे, बाय जनवरी, बाय नेक्स्ट, इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कॉमन बात है ये। ठीक है, आप लोग नोट्स परचेज कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर क्या कर रहे हो, कहीं पर संभावना हो, अनुमान हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यू विल हैव रीड द गीता, तुमने गीता पढ़ ली होगी, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा हमारा, यानी पढ़ ली होगी का सेंस क्या निकल रहा है, भाई पढ़ चुके होंगे, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं। ठीक है, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, तुमने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, तुमने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए आप लोगों के पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। मेनली आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज। ठीक है, हमें तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से फ्रेम होते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर इट रेन्स, तो यहाँ पे देखिए दो काम हो रहे हैं, कितने काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड, मैं क्या कर लूँगा भाई, काम फिनिश कर लूँगा। बिफोर इट रेन्स, जब तक क्या होगी, बारिश होगी, तो पहले बारिश के पहले होने से ही मैं अपना काम क्या कर लूँगा, फिनिश कर लूँगा। तो यहाँ पे दो एक्शन है, जब दोनों एक्शंस कहाँ हो, फ्यूचर में हो, और वहाँ पे क्या हो, जो फर्स्ट एक्शन है वो किस में दिया हुआ हो गया हो, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो जो सेकंड वर्क है उसके लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमने प्रेजेंट के जो रूल किए थे वहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। ओके, तो देखिए इसको फ्यूचर परफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के पास बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कितने काम हैं, दो काम हैं, जो फर्स्ट एक्शन है वो और जो सेकंड एक्शन है वो। तो सेकंड एक्शन अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में गिवन हो, जो हमारा सेकंड एक्शन है वो किस में गिवन हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो फर्स्ट एक्शन में हमेशा किसका यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है, ध्यान रखेंगे। ओके, जैसे देखिए, द प्लांट्स विल हैव ड्राइड, जो प्लांट्स हैं वो क्या होंगे भाई, सूख चुके होंगे, बिफोर इट रेन्स, जब तक क्या होगी, बारिश होगी। तो भाई बारिश होने से पहले पौधे क्या हैं, सूख चुके हैं, तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, पौधे सूख गए। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट एक्शन है वहाँ पे किसका यूज करना है, हमें फ्यूचर परफेक्ट का। फिर हमें सेकंड एक्शन देखना है, सेकंड एक्शन में कौन सा टेंस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट। तो बिल्कुल श्योर है कि फर्स्ट एक्शन में किसका यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ओके, जो एग्जाम्पल है उनकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसे मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। समझ में आ गया ना, ये रूल क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फ्रेंड्स जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसके अंदर किसी निर्धारित समय से किसी काम के जारी होने की बात की जाएगी, कि भाई वह सुबह से पढ़ा रहा होगा। ठीक है, वह दो घंटे से बातें कर रहा होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। वहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वही विल सेल लगता है, उसके साथ में हमारा हैव लगता है, और हैव के साथ क्या लगता है, बीन। क्योंकि कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो वहाँ पे सब जगह पे किसका यूज होता है, बीन का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज होता है। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तो वहाँ पे भी बीन का यूज हुआ था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा वहाँ पे भी बीन का यूज हुआ था, और हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो यानी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वहाँ पे बीन का होना तो क्या है, एसेंशियल है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, एक सेकेंड रुकिएगा,
देखिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ओके, तो देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वहाँ पे क्या करते हैं कि भाई ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वो हमें क्या बताता है कि वो जो एक्शंस हैं वो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक क्या रह रहे हैं, जारी रह रहे हैं। जैसे कि ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जारी रह रहा है भाई, वो 2 दिन से यानी 2 दिन से खेल रहा है वो, ठीक है ना, खेल रहा होगा। ओके, लता विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, लता है वो 2 घंटे से गाना गा रही होगी। इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ना अगर आप लोगों को बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मिल जाए तो वहाँ पर भी किसका यूज करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। देखिए किस तरह से, जैसे कि बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ द डे, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई सेल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 ईयर्स, कि भाई ये जो आपको मिलेगा ना बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस तरीके से जो आपको वर्ड्स मिलेंगे तो वहाँ पे भी आपको किसका यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ओके, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि कोई जो काम है वो निश्चित समय में फ्यूचर में क्या रह रहा है, जारी रह रहा है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जैसे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस थे उनमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम होता है तब आप वहाँ पे किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे सीमा विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ओके, तो ये था आपका फ्यूचर टेंस, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा टेंस था। 3-4 मेन पॉइंट आए हैं जो मैंने आपको जोर देकर के बताए हैं कि हाँ ये तो आपको करने ही है, तो बस उनको याद रखिएगा। कल मैं आप लोगों के लिए टेंस के प्रैक्टिस सेट लेकर के आती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपको नोट्स के रिगार्डिंग बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग ये नोट्स बाई करना चाहते हैं तो आप लोग, मैंने जो आपको नंबर प्रोवाइड कर रखा है उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से इनको परचेज आप लोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ कल दूसरी वीडियो में, टेक केयर, बाय।